दिल्ली हाट में सीटीआई विमेन काउंसिल ने किया तीज मेले का आयोजन। सीटीआई यानी चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री की विमेन काउंसिल के द्वारा 19 अगस्त को तीज मेले का भव्य आयोजन दिल्ली के पीतमपुरा के दिल्ली हाट में किया गया। तीज, महिलाएं और महोत्सव, ये तीनों शब्द एक दूसरे से ठीक उसी तरह जुड़े हुए हैं जैसे सीटीआई विमेन काउंसिल ने अपने सभी संगठनों से, और इसी का नजारा देखने को मिला सीटीआई विमेन काउंसिल द्वारा आयोजित तीज मेले में, जिसमें दिल्ली की सैकड़ों महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सीटीआई से जुड़े सभी संगठन भी इसमें शामिल रहे। इस मेले को मातृशक्ति और नारी शक्ति की थीम के साथ और उसी के जरिए समाज में एक संदेश देने के लिए आयोजित किया गया। इस खास मौके पर सीटीआई अध्यक्ष ब्रिजेश गोयल और उनकी टीम भी मौजूद रही। एक सीटीआई की तरफ से आज दिल्ली हाट पीतमपुरा में तीज उत्सव का आयोजन किया गया है। पिछले 10 सालों से सीटीआई की विमेन काउंसिल यहाँ पे तीज मेला आयोजित करती है। यहाँ पे दिल्ली की अलग अलग क्षेत्रों की महिलाएं, विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, अलग अलग क्षेत्रों की मेकअप आर्टिस्ट, सैलून ओनर्स, अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने बिजनेस किया है, काम किया, अपना एक मुकाम हासिल किया है, उनको सीटीआई की तरफ से सम्मानित भी किया गया। यहाँ पे फैशन शो आयोजित किया गया, विशिष्ट महिलाओं को यहाँ पे अवार्ड दिए गए, तीज क्वीन अवार्ड दिया गया। तो सीटीआई हर साल इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करता है। तीज का देखिए जो उत्सव है, ये परिवार की खुशहाली के लिए, समाज की खुशहाली के लिए, और विशेषकर सुहागिनी जो महिलाएं हैं वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अपने परिवार की खुशहाली के लिए करती हैं। तो मैं सभी को, पूरे दिल्ली वासियों को तीज उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सीटीआई की तरफ से हम मंगल कामना करते हैं दिल्ली के 2 करोड़ दिल्ली वासियों के लिए, कि सबके घर में बरकत हो, खुशहाली हो और दिल्ली आगे बढ़े, देश आगे बढ़े। मैं पुणे आज जिनको अवार्ड मिला, जिनको सम्मानित किया गया, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सीटीआई महिला काउंसिल की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीटीआई विमेन काउंसिल ट्रिपल एफ यानी फैशन, फूड और फोक के अनूठे जोड़ की इसी कड़ी में सीटीआई विमेन काउंसिल की अध्यक्ष मालविका साहनी के साथ जसविंदर कौर, पूजा नरूला, जीनत तमाम और राजमणि पाठक प्रोग्राम की बागडोर संभालते हुए नजर आई। आज ये कार्यक्रम हमने दिल्ली हाट पीतमपुरा में तीज का महोत्सव किया, जो हम पिछले 10 साल से यहाँ पे करते आ रहे हैं। सीटीआई विमेन काउंसिल हमेशा आयोजित करती है, ये हमारी पूरी टीम है और आज की हमारी तीज क्वीन कॉन्टेस्ट की जो विनर है वंदना, हमारे साथ है, और हमारी जो जिन्होंने हमारे इवेंट में गिफ्ट पार्टनर हैं, जो वो हमारी निर्मल रंधावा जी इंडिका मेकओवर की ओनर हैं, हमारे साथ हैं। गिफ्ट पार्टनर में तारा मल्होत्रा जी और नीक नीक से नवनीत कनवाड़िया जी भी थे, और ये पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देती हूँ, सबको तीज की बहुत बधाई। हरियाली तीज का जो ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है, महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए ये पर्व मनाया जाता है। और देखिए इस दिल्ली हाट में कितना सुंदर माहौल है, कि अंदर का भी पूरा कैंपस भरा हुआ है और जब आप बाहर जाएंगे तो बाहर का भी पूरा कैंपस भरा हुआ है। धूमधाम से सभी माताएं बहनें इस पर्व को मना रही हैं और सीटीएफ वुमेन्स के लिए मैं यही कहूंगा, मालविका जी और उनकी पूरी टीम ये बहुत ही सुंदर आयोजन कर रही है और हर साल इस तरह के आयोजन होते हैं। मैं इनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। देखिए सीटीआई ने हमेशा दिल्ली के अलग अलग मुद्दों पर व्यापारियों के संग, दुकानदारों के संग, और जहां भी अन्याय होता है टैक्स को लेकर, व्यापारियों के मतलब ऊपर अत्याचार होता है, वहां वहां सीटीआई की पूरी टीम उनके साथ खड़ी रही है। तो मैं इनको बधाई देता हूं, जिस तरीके से इन्होंने दिल्ली के व्यापारियों की और अलग अलग वर्गों की आवाज़ उठाई है, उसके लिए ये बधाई के पात्र हैं पूरी टीम। महिलाओं के लिए आयोजित इस उत्सव में फेमस टैरो कार्ड रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट तारा मल्होत्रा, पूजा दुआ सहित तमाम लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इसी उत्सव में तीज क्वीन कॉन्टेस्ट, फैशन वॉक जैसे कई प्रोग्राम शामिल थे और अंत में इनमें अच्छा करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में बिजनेस वीमेन, सोशल वर्कर्स, नौकरी पेशा और तमाम फील्ड से जुड़ी महिलाएं शामिल थी और इस उत्सव का नाच गाकर खूब इंजॉय करती दिखी। वही रेबल श्रद्धानंद पति, मशहूर आरटीआई एक्टिविस्ट जिनके लाखों फॉलोअर्स है, वो भी मंच पर नारी शक्ति जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए।
उनके नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद। धन्यवाद आप सभी।